हम अपने आप से कितना प्यार करते हैं, अगर हम इसका आंसर ढूंढने निकलें तो बहुत ही कम लोग होंगे जो इसका आंसर दे पाएंगे, बिकॉज वी डोंट नो हाउ टू लव योर सेल्फ। बट इफ वी अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ सेल्फ लव, देन हमारा ज़िंदगी जीने का अलग ही तरीका हो जाता है। हम लाइफ में अलग ही डायरेक्शन में निकल पड़ते हैं, जहाँ आपको कोई आपकी कमी बताने वाला नहीं होता, जहाँ आपको कोई दिखाने वाला नहीं होता कि आप ऐसे हैं वैसे हैं। सो कहने का मतलब यह है कि इस रास्ते पर चलकर दूर दूर तक कोई नहीं होगा जो आपको कुछ बोल पाए, यानी आप इस रास्ते पर बिल्कुल अकेले हैं। आपको ही देखना है आपकी बुराइयों को, आपको ही देखना है आपकी अच्छाइयों को, आपकी कमियों को, क्योंकि इस रास्ते पर दूर दूर तक कोई नहीं है जो आपको कुछ बोल पाए। सो कहने का मतलब यह है कि आपको ही अपने अंदर जाना है, अपनी कमियों को देखना है, अपनी स्ट्रेंथ को देखना है, यू नो, एंड इंट्रोस्पेक्ट करना है कि आप में स्पेशल क्या है। जिस दिन आप ऐसा करने लगेंगे, वो वही दिन होगा जब आप अपने थॉट से प्यार करने लगेंगे, वही दिन होगा जब आप अपने आइडिया से प्यार करने लगेंगे, आप अपनी वीकनेसेस से प्यार करने लगेंगे, आप अपनी इमोशन से प्यार करने लगेंगे, यू नो, आप अपने आप से प्यार करने लगेंगे, अपनी लाइफ से प्यार करने लगेंगे। आप जितनी भी कमियां हैं आपके अंदर, आप उन कमियों से प्यार करने लगेंगे, क्योंकि आप उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे उसको अपनी लाइफ से दूर कर रहे हैं। और इसी की वजह से उस दिन आप अपने आप को सही मायने में बेटर बनाना शुरू कर देंगे, एक सन्यासी की तरह। यस, एक सन्यासी क्या करता है, अगर हम उसकी लाइफ को ऑब्जर्व करें तो हम देखेंगे कि वो इंसान अपने अंदर जाके इंट्रोस्पेक्ट करता है, मेडिटेट करता है और अपने आप से सबसे ज़्यादा प्यार करता है। यू नो, वो अपनी कमियों से प्यार करता है, अपनी वीकनेसेस से प्यार करता है, अपने आप को एक्सेप्ट करता है, राइट, और धीरे धीरे उस पर काम करता चला जाता है, बिकॉज ही इज़ डूइंग द इंट्रोस्पेक्टिंग, यू नो, ही इज़ डूइंग द मेडिटेशन, राइट। सो उसके थ्रू वो अपने आप को एक्सेप्ट करने लगता है, अपने आप से प्यार करने लगता है, और जब यही इंसान जब लोगों के सामने आता है तो वो उनको अंडरस्टैंड कर पाता है, उनको प्यार दे पाता है। और ये सही भी है, जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं कर पाओगे, आप दूसरे से प्यार नहीं कर सकते। सो कहने का मतलब यह है, द पावर ऑफ सेल्फ लव इज़ वन ऑफ द बेस्ट सक्सेस इंग्रेडिएंट्स, और हमें इस सक्सेस इंग्रेडिएंट्स को अपनी लाइफ में ऐड करना है, और जिस दिन हम ऐसा करेंगे उस दिन सही माने में हम अपने आप से प्यार कर पाएंगे। अदरवाइज सारी दुनिया बैठी है आप में कमी देखने के लिए, राइट। सो मेरा कहने का मतलब है गाइज, अपने आप से प्यार करना सीखिए, क्योंकि यही एक ऐसा सक्सेस इंग्रेडिएंट्स है जिसको एक्सेप्ट करने के बाद आपके अंदर रियल ग्रोथ होती है। आप अपने अंदर जाकर अपनी कमियों को एक्सेप्ट करते हैं और धीरे धीरे अपने आप को बेटर बनाना शुरू कर देते हैं। अब बात करते हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ लव, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ, बिलीव इन योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, फोकस ऑन व्हाट यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर, बी द मास्टर ऑफ योर लाइफ। थैंक यू।